बात करते हैं रीवा की, जहां राज्यसभा सांसद विवेक तनखा 1 अक्टूबर को शहर के कई प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हुए। सुबह वार्ड नंबर 44 में अपनी सांसद निधि से पार्क उन्नयन के लिए दी गई राशि से होने वाले कार्यक्रम का भूमि पूजन किया। इसके बाद सिंधु भवन में स्वास्थ्य शिविर एवं बुद्धिजीवी वर्ग के साथ संवाद कार्यक्रम और सम्मान समारोह में शिरकत किया। सिंधु भवन में आयोजित निःशुल्क हृदय रोग प्रशिक्षण एवं निदान शिविर में पहुंचकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान श्री तनखा ने कहा कि यह शिविर रामकृष्ण तनखा फाउंडेशन जबलपुर के सहयोग से आयोजित किया गया है, जिसमें जाने माने चिकित्सकों के द्वारा जांच की जा रही है। श्री तनखा ने बताया कि दो तरह की जांच हो रही है, एक तो उन विकलांग बच्चों की जिनके हृदय में छेद है, उनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। अगर किसी प्रकार की और दिक्कतें आती हैं तो उन्हें जबलपुर या इंदौर में जांच कराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रीवा की सांस जाने माने चिकित्सक के द्वारा जांच की जा रही है। उक्त कार्यक्रम में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, महापौर अजय मिश्रा बाबा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल शामिल हुए। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं उक्त कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने क्या जानकारी दी है। देखिए, इस शिविर के दो भाग हैं। एक बच्चों का भाग है, जहां डॉक्टर इंदौर CHL अपोलो के डॉक्टर रजनी रंजन जी बैठे हैं, उन बच्चों को वो लोग चेक कर रहे हैं और फिर कार्डियो ECG कर रहे हैं। उससे वो ये देखना चाहते हैं कि जिन बच्चों के हृदय में होल है वो ऑपरेबल है नहीं है, लेट तो नहीं हो गया है, और लेट हुआ है तो इस पर क्या हो सकता है, हो सकता है इसमें और अधिक जांचों की ज़रूरत होगी, एडवांस जांचों की ज़रूरत होगी। उसके लिए उनको हो सकता है, जैसे डॉक्टर कहे थे, हम उनको जबलपुर भेजेंगे, हम उनको इंदौर भेजेंगे, जहाँ भी जाएंगे। तो उन बच्चों को क्या है कि ये बच्चे छोटे से रहे हैं, नहीं तो इनकी ज़िंदगी जो है वैसे ही बहुत दुखद रहेगी, क्योंकि ना चल सकेंगे, ना दौड़ सकेंगे, खेल सकेंगे, हाँपेंगे, और किस दिन लंग उनका फेल हो जाएगा इसको ये किसी को पता नहीं। तो ये बहुत बहुत सीरियस मामला है जो हम लोग कर रहे हैं, और इसकी ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ इन लोग का इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। जब ये पैदा होते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होता, तो पता ही नहीं चलता है। जब वो बेचारा बड़ा हो जाता है बच्चा, जब ब्लू बेबी बन जाता है तब पता चलता है। तो वो एक कार्य चल रहा है जिसमें हम बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे, सर्जरीज कराएंगे, और एक डॉक्टर युगल मिश्रा जो यहाँ के सपूत हैं, उनका देखो कैसी भीड़ लगी है, हो सकता आते तो उनके रिश्तेदार होंगे जो बैठे जो भीड़ लगाए हुए हैं। तो वो हार्ट के बहुत बड़े विख्यात डॉक्टर हैं, वो रीवा की शान है, मणिपुर अस्पताल के डायरेक्टर हैं, और समवेयर उनको रीवा के लिए बहुत प्रेम भी है, तो इसलिए सबकी जांच कर रहे हैं। जो खर्चा आएगा तो वो कैसे? नहीं, इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। कौन ले रहा है? कोई थोड़ी ले रहा है, हम लोग तो अब्दुल कलाम साहब के उस मोटो में बिलीव करते हैं, दिल विदाउट बिल। हम लोग दिल देते हैं बिना बिल के। बात की जाए विधानसभा चुनाव, नहीं बेटा ये वक्त नहीं है विधानसभा। अस्पताल में कोई कैश काउंटर नहीं होगा, खाली मरीज आएंगे, उनका इलाज होगा और वो घर जाएंगे। रायपुर में भी यही हो रहा है, अब जाके देखिए रोटरी के माध्यम से हम लोगों ने करोड़ों रुपए की वहाँ पर मशीनें दी है, बड़े बड़े इक्विपमेंट दिए हैं, और रायपुर की जो अस्पताल है उसकी वेटिंग लिस्ट लगभग है 2-2 साल की। मतलब आपका अंदाज नहीं है कि ऐसे बच्चों की संख्या इस देश में कितनी है। आधे वक्त तो हमको पता नहीं चलता कि बच्चे गरीब होते हैं, गरीब परिस्थिति में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कौन कौन डॉक्टर इनको बताएगा, कौन उनका सोनोग्राफी करेगा, कौन उनको डॉक्टर वगैरह लगा के देते हैं। तो होता यही है कि बच्चों का कुछ की ज़िंदगी चल पाती है, कुछ की नहीं चल पाती है, कुछ हाँपने लगते हैं 5-7 साल में, दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते। तो इनको ज़िंदगी देने का एक प्रयास है, और आज डॉक्टर रवि रंजन हमारे साथ आए हैं CHL अपोलो से, वो यहाँ बैठे हैं। उन्होंने हमको बताया कि 12 बच्चों को उन्होंने वैसे भी आइडेंटिफाई कर लिया है, उसमें उन 12 में से 6 बच्चों को हमारी बस आई है। जो जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ जाना चाहते हैं
कॉन्शियस जो कंसेंट उनका होगा उनको इस बस में इंदौर ले जाया जाएगा, उनकी पूरी देख रेख यहाँ से लेकर इंदौर, इंदौर में खराना किराना देखभाल करना, अस्पताल ले जाना, और वहाँ तो डॉक्टर रवि रंजन की फिर रहेंगे, उनके वरिष्ठ डॉक्टर भी रहेंगे, इनका फिर वहाँ टेस्ट होंगे सर। और उन टेस्ट के बाद खाली जो जिनकी सर्जरी पॉसिबल होती है उनकी सर्जरी हो पाएगी, और छः जाएंगे निश्चित रूप से छः परसेंट ना हो पाए, चार की हो जाए, तीन की हो जाए, पाँच की हो जाए, ये टेस्ट के बाद समझ आता है, क्योंकि ये क्योंकि दिन की बात है, इसमें कोई चांस नहीं ले सकता, इसमें कोई भी अगर पैरामीटर ठीक नहीं होते हैं तो वो लोग सर्जरी अभी नहीं करेंगे। कई बच्चों की पैरामीटर होता है कि उनके हेमोग्लोबिन बहुत लो है, उनके पास एनीमिक है, तो पहले उनको दवाइयाँ दी जाएंगी ताकत की, जब हेमोग्लोबिन ऊपर आ जाएगा, जब ताकत आ जाएगी 3 महीने बाद